हे गाइस, फिर से स्वागत है और एक वीडियो में। यार आज हम बनाएंगे एक मीडियम बेस विथ डाइनो फिन। एक मीडियम बेस बनाएंगे जिसमें होगा डाइनो फिन। शायद आप लोग देख ही रहे हो, तो शुरू किया जाए और देर ना करते हुए आज 5 to 5 फूल कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूँ। भाई बेस बनाने कैसे बनाते हैं वो उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। डाइनो फिन तो हर कोई बना लेगा आसान तरीके, फिर भी मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। तो चलो, ये है हमारा प्यारा सा बेस और यहाँ पे हमने 3 रूम सेट किया हूँ। और भाई बहुत मीडियम टाइप का बेस है, यहाँ पे सब कुछ आसानी से आ जाएगा और आप आराम से आपका फैमिली के साथ यहाँ पे रह सकते हो। तो चलो बनाते हैं और कुछ नहीं करते। तो पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा मतलब भाई फाउंडेशन स्पैम करना पड़ेगा। तो 4 फाउंडेशन स्पैम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 1, 2, 3, 4 और कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है। और इधर 1, 2, 3, तो टोटल 8 है। रो और कॉलम में 4 और 8 बाई होगा, ठीक है। और एक समझ चुके हो मतलब देख ही रहे हो, तो ज़्यादा बात बोलूँगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो चलो, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है और बाकी में ऐसे करके 5 है। तो सब कुछ सेट। अब देखो मिडल पे लगाएंगे 1, 2, 3 फिलर हो गया, और इसके साइड में 1, 2 फिलर, इसके साइड में 1 फिलर हो गया, यहाँ पे 1, 2, 1, 2 और यहाँ पे 1 फिलर हो गया। सेम टू सेम ऑपोजिट सेट में यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे करूँगा तो और भी तुम आसान तरीके से समझ जाओगे मतलब क्या किया उस साइड। तो यहाँ पे पहले स्पैम्स फाउंडेशन स्पैम करना होगा, इसके बाद यहाँ पे 4 फिलर या कितना फिलर आएगा, 5 फिलर आएगा, लगा दो 1, 2, 3, 4, ये 5 हो, 5 हो गया। 5 होने के बाद पहले कोने पे 1, इस पे 2, इस पे 3, 1, 2 या 3 अब साइड में फिर से 1, 2, फिर 1। तो हमारा फुल स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो ये हमारा एक रूम का हुआ, और सेकंड रूम के लिए हम सेम टू सेम करेंगे। सेकंड रूम के लिए हम यहाँ पे आएगा 4 पिलर, ठीक है, 4 पिलर्स आएगा, और इसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन कैसे करते, तो चलो करते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने डाइनोफिन के लिए देखो पूरा स्पैम्स फाउंडेशन से स्पैम करके रखा हूँ, वहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो चलो लगा देते हैं फिलर। फिलर कहाँ गया, अच्छा हम हॉट बार में थे। तो सॉरी गाइस, टेंशन मत लो, हम पीवीपी भी खेलेंगे, ठीक है। तो बहुत रिकमेंड मतलब बहुत मुझे ऐसा कमेंट आ रहा था कि एक बेस बिल बनाओ, एक बेस बनाओ, एक बेस बनाओ, मीडियम बेस बनाओ जिसमें डाइनोफिन भी हो। तो मैं एक लार्ज बनाया, ठीक है, लार्ज बेस बनाया, इसके बाद एक स्मॉल बेस बनाया। तो ये मीडियम टाइप का बेस है जहाँ पे 3 रूम होगा। तो टेंशन मत लो, मैं इसके बाद फिर से पीवीपी चला जाऊँगा। तो यहाँ पे और एक बेस, सॉरी यहाँ पे वॉल और कॉर्नर साइड का जो है वो लगा देना है। फिर यहाँ पे 2 स्पैम करना है और कुछ नहीं, तो अब इसको हटा देना है, ये गलत लगा दिया, तो 2 थोड़ा गलत लगा दिया, तो इसको हटाना है। तो चलो पहले फुर्सत में इसको निकालते हैं, दूसरी फुर्सत में उसको निकालेंगे, और क्या। तो थोड़ा गलत सीन हो गया, इसलिए हमें ये वॉल को भी हटाना पड़ेगा, और ये जो वुडन वॉल जो है राइट साइड कॉर्नर वा उसको भी हटाना पड़ेगा। अब लगेगा हमारा फिलर और फिर स्पैम कर देंगे दोनों के दोनों। तो हो चुका, और नीचे पूरा राउंड घुमा कर लगा दो, फिर लगाएंगे डोर, जहाँ लगना है वहाँ पर डोर लगा देंगे। अब तो भाई वॉल लगा देंगे हम चिपका के, वो भी प्यार से इज्जत के साथ। तो इतनी मेहनत के लिए थोड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा प्यार बरसाना पड़ेगा हमारे ऊपर नहीं, इस वीडियो के जो बटन है उसके ऊपर। तो चलो आप और क्या, यहाँ पे कोने का जो राइट और लेफ्ट है इसको लगा दो फटाक से, दिल और दिमाग दोनों थामते हुए हो गया। तो चलो अब यहाँ पे घुमा के लगा देंगे और क्या। तो ये टोटल 2 रूम हुआ, ठीक है, 3 रूम क्या करेंगे वो तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सेम टू सेम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड मतलब ऑपोजिट साइड एंड, तो यहाँ पे एक डोर रखेंगे और यहाँ पे सेम टू सेम चिपकाएंगे वॉल के बच्चा। तो वॉल के बच्चा को चिपकाने के बाद फिर से हम लगा देंगे वो लेफ्ट वाला और राइट वाला जो वॉल्स है, कॉर्नर वाला वॉल्स है वो। अरे आसान तरीका है, आसान है एकदम, इजी। मुझे बोल रहा था भाई तेरा जो पहला वीडियो था वो बहुत टफ था, वो बेस बनाते मैं तो भाई मेरा नींद आ गया। तो मैं सोचा एकदम इजी बनाना है, एकदम इजी मगर देखने में थोड़ा स्टाइलिश। तो इजी मगर स्टाइलिश दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए ये इससे ज़्यादा मुझसे और कोई तरीका सोचा नहीं। नहीं तो भाई मैं और भी बहुत सारा बेस बिल्ड करूँगा जो खतरनाक होगा, एक से बढ़कर एक होगा। तो अब बनाना है जिसको जो रूप अच्छा लगा वो रूप लगा देना। तो मैं लगा रहा हूँ थैच रूप, आपको वुड रूप लगाना है वुड रूप लगा सकते हो, स्टोन का रूप है, मेटल का रूप है, जिसका है वो लगा देना, चिपका देना है और कोई बात नहीं।
तो आप ऊपर जाने के लिए आप कोई डायनो यूज़ करो, फ्लाई यूज़ करो, या तो रैफ्ट क्या बोल सकता हो, रैंप यूज़ करो, लैडर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करके ऊपर आ जाओ और फिर चिपका दो फिर से पटाक से, दिल और दिमाग दोनों थामते हुए, दोनों के दोनों हाथ में रखते हुए, वो भी कहाँ, दिमाग के अंदर। इतना कुछ बातें ना सोचते हुए सीधा रूप लगाने के बाद अब चलो नीचे आ भैया, तो गलत लगा था, चलो बाद में तोड़ देंगे और क्या। तो चलो हमारा प्यारा सा बीच देखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। तो हमारा प्यारा सा बीच देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, मगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा और भी इस पर काम करना पड़ेगा। तो चलो अब सेकंड जो हमारा छोटा सा और एक बेस का रूम होगा उसका जो हम चलो पहले वॉल लगा देते हैं, बाद में लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं। तो यहाँ पे एक डोर होगा, तो मतलब डोर फ्रेम लगा देते हैं। चलो अब इस यहाँ पे ऊपर उठना पड़ेगा, तो यहाँ पे रूप फिर से चिपका देते हैं। देने के बाद हाँ चलो अब देना करते हुए थोड़ा हम सीलिंग ले लेते हैं, सीलिंग नहीं लिया था तो सीलिंग के ले लिया। अब चलो पहले एक लाडर बना लेते हैं, बार बार कितनी बार हम फाई के फ्लाई फ्लाई यूज़ करेंगे। तो चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो चलो अब लैडर यूज़ करते हैं और लैडर के ऊपर से चढ़ते हैं और चलो अब यहाँ पे लगा देते हैं और 6 मिनट वेट तो लगा देते हैं फटाक से। तो हो गया, तो हमारा छोटा सा 2 रूम्स हो गया। अब 3 रूम के बारी है, तो चलो पहले हम लोग डोर लगा देते हैं, फिर 3 वुड लगा देते हैं और क्या नहीं, कुछ भी नहीं करते हुए और लगा देते हैं फटाक से, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया ठीक है। अब सामने में आप लोग क्या करना है, दो और भी क्या बोलते हैं फाउंडेशन चिपका देना ठीक है, आगे बढ़ाना है दो करके ठीक है, बाद में सीधा बारा लेना है देना। तो हमारा बेस देखने में बहुत ओपी लग रहा है और क्या बोल सकता हूँ। तो चलो तो आप इसको लगाने हैं, अब इसको लगा देते हैं। चलो अब बहुत सारा वुड भी ले लेते हैं, अब देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लगेगा। चलो ये ऐसे मज़े में लगा रहा हूँ, इस पर चारकोल बनता है और ये देखने में बहुत मज़ेदार और ख़तरनाक लगता है ठीक है। चलो हमने वुड भी दे दिया, अब वाह आराम बहुत, देखो अब देखने में थोड़ा और भी मतलब इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। तो और भी ऐसे कर करके बहुत अच्छा। चलो अब तो जिन भाई लोग ये ग्रीन हाउस बनाना चाहता है वैसे भी ग्रीन हाउस भी हो जाएगा। तो चलो मैं तो यहाँ पे डोर फ्रेम लगाऊंगा, सॉरी क्या लगाऊंगा, विंडो डोर फ्रेम। तो यहाँ पे चिपकाना चाहता है तो चलो ये लगाते हैं हम लोग डोर डोर फ्रेम भाई, इससे मुझे लगता है और भी अच्छा लुक मिलेगा। तो हम तो स्ट्रक्चर बना चुके हैं, अब जैसे भी अच्छा लुकिंग मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा लुक लगेगा और इसमें हम ग्रीन हाउस वॉल लगाएंगे ठीक है। तो चलो हमारे पास ख़त्म हो चुका है, पहले फुर्सत में दूसरे फुर्सत में जाके स्मिथी पे बना लेते हैं। चलो लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है भाई। तो सामने में हम और भी दो करके फाउंडेशन आगाएंगे मतलब सामने की तरफ बढ़ाएंगे और इसके बाद हम रेलिंग लगाएंगे ठीक है, वुडन रेलिंग एंड स्टोन रेलिंग। तो ये चिपका देंगे तो और भी बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। तो चलो पहले फुर्सत में बहुत सारा हम स्टोन सॉरी वुड का डोर फ्रेम बना लेते हैं। अब भाई तू क्या रे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब हम बोल रहे हैं विंडो फ्रेम। आई एम सो सॉरी। तो चलो पहले बाड़ी में और दूसरे बाड़ी में सब कुछ चिपकाते हैं भाई, गलत बोलना चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मैं कौन सी बात गलत बोलता हूँ वो हमें कमेंट करना करके बताना जरूर है। तो देखो मैंने बोला ना 2 बारा देंगे, तो हमने ये 2 बारा के एकदम पूरा रेलिंग लगा दिया ठीक है। और फिर से यहाँ पे मिडिल से लेके ये देखो हमने क्या स्पैम कर दिया, फैंस फाउंडेशन स्पैम कर दिया। फिर यहाँ पे एक वॉल, एक वुडन रेलिंग, एक स्टोन का रेलिंग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा डायनोपिन ठीक है। तो डायनोपिन ऐसे बना लेना है क्योंकि भाई अब मेन चीज़ दिखाना चाहिए ठीक है। ये डायनोपिन कैसे बनाते हैं ये चीज़ तो हर किसी को आएगा, डायनोपिन क्या, चिपका दो हो गया डायनोपिन। तो चलो अब हम करेंगे हमारा 3rd रूम की तैयारी। तो ये अब थोड़ा और भी अलग तरीके के 3rd रूम बनाएंगे, फुल्ली फुल ऑन माय डिज़ाइन। और मुझे पता नहीं है अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आई डोंट नो, अच्छा लगेगा तो बरसो इसके ऊपर और बना लो अपना पसंदीदा। ये बेस्ट मतलब देखने में बहुत मस्त लगेगा, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो अब वॉल लगाया था बहुत सारा यहाँ पे, बहुत और भी देखने में और भी बहुत पसंदीदा आएगा। देखो मैं अलग बहुत सारे बातें कर सकता हूँ मगर इसमें अलग अलग बातें करूँगा तो तुम इस बेस बनाने में तकलीफ होगा, इसलिए मैं सिर्फ बेस कैसे बना रहा हूँ उसकी बातें बात करूँ। अब मैं गाना गा दूँगा तो नहीं होगा ना।
मुझे तो ये बोलना चाहिए कि कैसे बनाता है, ठीक है? क्योंकि भाई मुझे एक भाई ने बोला था, भाई तू बेस बना रहा है या गाना गा रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो चलो हम बेस ही बना रहे ब्रो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उस वीडियो में मैं थोड़ा गाना गा दे दिया और मैंने बताया नहीं कैसे लगाया, तो इसलिए आपको तकलीफ हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। अरे भाई बताना चाहिए, तुम्हारा ही भाई हूँ, गाली दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारा भाई को ही दे रहे हो, छोटा भाई समझ के। कुछ भी देखो कैसे मस्त लगता है यार, बेस भाई मस्त लग रहा है, मीडियम बेस हो गया हमारा गज तो यार, कैसा लगता है बोलो। इसको बनाना चाहिए सब लोग यार, इसके लिए PVP मत बनाना, कोई आके एक बार में तोड़ देगा, ठीक है? और PVP बनाना बहुत ज़्यादा, जब डिफेंस होगा इसके मिडिल पे मेटल का बनाना, बनाना है तो मेटल का बना लेना, नहीं तो सारा कोई लौंडा तोड़ देगा मेरे तरह जो हरामी है। तो इसके बाद मैंने बोला ना, देखा दो बार आया, दो बार आने के बाद हम यहाँ पे वुडन रेलिंग, इसके बाद स्टोन रेलिंग लगा दिया, तो चिपका दिया सिंपल। और देखने में भाई इसका मस्त लुक आ रहा है, मस्त लुक, इतना मस्त और इतना अच्छा लुक, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो यही है छोटा सा हमारा डायनोफिन वाला छोटा सा मीडियम बेस, ठीक है? हम ये बनाया सिंपल और सिंपल मीडियम तरीके के एक बेस मीडियम। तो चलो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम अंदर जाने का, जो हम जो हमारा थर्ड रूम है उसमें जाने का, हमारा उसमें जाने का रोड बनाते हैं। अबे रोड नहीं, रास्ता नहीं, रास्ता नहीं तो क्या बनाएंगे, डोर फ्रेम लगाएंगे और इसका दरवाजा मतलब डोर लगा देंगे, डोर फ्रेम के ऊपर डोर। तो देखो क्या मस्त लग रहा है यार, क्या व्यू और क्या मस्त। चलो ये है हमारा छोटा सा फेस गाइस, तैयार हो चुका है, फुल कंप्लीट, यही करना है। और डायनोफिन हमने तो बोल ही दिया, बहुत सारा फेंस फाउंडेशन लगाया और फिर इसके ऊपर हम एक वॉल लगाया, एक रेलिंग लगाया, एक दो रेलिंग लगाया, एक लगाया वुडन का, एक लगाया स्टोन का। तो गाइस ये है हमारा मस्त बेस और मस्त व्यूज वाला बेस, मतलब देखने में भी बहुत खतरनाक लगता है ये पीछे, ठीक है? और सामने से भी देखने तो बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ हमारा छोटो छोटा डायनो रखने के लिए हम डायनो पिन के छुरा स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये बहुत इजी है। तो मिडल से ले लेना है हर किसी को। तो गाइस आई होप आर यू द वीडियो मिलते हो, और एक सिलसिले में नया वीडियो में नया सिलसिला लेके और भी ऐसा बहुत सारा बेस आएगा, बहुत सारा PVP का वीडियो होगा, मतलब भाई सब कुछ करने वाला हूँ, एक चीज़ में हमेशा मैं अटका नहीं रहता। तो चलो आप बोलो कौन सा बेस चाहिए नया, लव यू ऑल, बाय, कौन सा बेस चाहिए बोल देना।